What's up guys, welcome back to yet another vlog. और अभी हम लोग जा रहे हैं डीएफ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मीटिंग है और उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग. बाकी मीटिंग का क्या पर्पस है, क्यों क्या मीटिंग एग्जैक्टली मीटिंग है वो आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा. मतलब देर इज समथिंग बिग कमिंग अप, तो वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होता है. और उसके बाद हम लोग कोटद्वार से निकल जाएंगे. अभी फिलहाल हम लोग कोटद्वार में है. आई हैव माई फ्रेंड विद मी अनुभव. ये उत्तरकाशी वाले ब्लॉग में दिखा होगा आप लोगों को. तो भाई हाय बोल दे यार भाई. ये इज गोइंग टू बी एन NRI नाउ, है ना? कब कब? अभी वीजा में टाइम है. अभी वीजा में टाइम है बट कुछ टाइम में जाने वाला है. और अभी यार मैं फोन से शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ना आदत ऐसे देख देख के कर रहा हूँ यार मैं शूट ना. मुझे आइडिया लग रहा है उधर देखने मेरे को, बट ठीक है कोई बात नहीं. लेट्स गो टू दी. मैं पहला काम हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट क्या करेंगे. तो डेली अपडेट्स देता रहूंगा मैं आपको. और देखते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग टू मेक मोर व्लॉग्स. अब से कोशिश करूंगा. वैसे बहुत टाइम से मैं व्लॉगिंग बहुत ही जैसे बोलते हैं ना मिनिमल कर रहा था, बट अब कोशिश करूंगा कि ज्यादा कर सकूं. और देखो मास्क अभी भी पहना हुआ है, तो कोरोना भी गया नहीं है, तो लोग मास्क पहन के रखें कम से कम. तो भाई नहीं पहन रहे. सो वी आर डन विद द मीटिंग. और मीटिंग काफी सही रही और काफी लंबी भी हो गई. बाकी अभी शायद हम लोग कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि भाई लोग जितने थे हमारे एज इन दो दोस्त और हैं, वो लोग दिल्ली से आए थे, तो इस वजह से काफी थके हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं. भूख लगी है ना भाई? बहुत ज्यादा भूख लगी है ना. सब कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि कुछ को इसको कहीं ले जाता हूँ खिलाने वाने देखते. मतलब मैं तो कह जाऊंगा, बाकी दो दोस्त भी है पीछे, उनको भी उनसे भी मिलाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जाएंगे हम लोग जहाँ हमने जाना है अभी, वो एक ही गाड़ी में जाएंगे, तो उनसे भी मिलाऊंगा बाद में. बट अभी फिलहाल के लिए अभी पीछे वाली गाड़ी में हम लोग, एक गाड़ी में. तो देखो यार रईस ही बहुत है यार, अनशन रईस ही है, क्या कर सकते हो यार, चलना पड़ता है ऐसे. ये जो लॉजिक है पीछे बीच में गाड़ी रखने का, अब तुम दोनों वैसे दिल्ली के हो, तुम लोगों को क्या लगता है, ये सही है वैसे ट्रैफिक रूल जो बनाया है कोटद्वार पुलिस ने? मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम लोग बताओ अपना ओपिनियन. हाँ बढ़िया, सही है. क्यों? क्योंकि भाई सुन लॉजिक ये है कि ये मार्केट है, लोग आएंगे अपनी व्हीकल से, गाड़ी स्कूटी से आएंगे. अब दिल्ली में लोग साइड में लगा देते हैं, और साइड में दोनों साइड लगती है फिर, और फिर जगह ही नहीं बचती बीच में. मतलब उसको ओवरकम करने के लिए वैसे ये करा है. अभी दो लेन की जगह एक लेन जा रही है, तो वो बेटर तरीका है. बात बंद, भाई ने सही बोली है. बाय द वे ही इज राहुल, और राहुल को आप लोगों ने वैसे ही देखा होगा जैसे बाबू को देखा था. सो उत्तरकाशी ब्लॉग में ही वॉज माई क्या बोलते हैं, जिसने मेरे को बहुत डेडिकेटेडली बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी. मेरे शॉर्ट्स में इसका भी योगदान था, ग्राउंडेड शॉर्ट्स इतने लिए थे. राहुल भैया अब हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली? कोटद्वार से निकलने का सोच रहे हैं, बट जाता रहे हम जा रहे हैं बैक टू दिल्ली जा रहे हैं. और दिल्ली हम लोग जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट काम के लिए, जो कि ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी डिस्क्लोज कर दिया तो फिर वो सस्पेंस जो रहता है ना वो यार खराब हो जाता है यार. अभी एक और फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, बल्कि उसके घर ही जा रहे हैं शशांक, उसके यहाँ जा रहे हैं, और फिर उसको वहाँ से पिक करके हम लोग डायरेक्टली निकलेंगे दिल्ली के लिए.
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं थोड़ा किधर आए हैं, कौन सा एरिया? ये मैक्सविलियन रेस्टोरेंट, इधर इधर है मैक्सविलियन, इधर पड़ता था जो मॉन्टेविलियंस बोलते थे इसको, मॉन्टेविलियंस करके था। और अभी ये है, ये भी मतलब उसका अपोजिट ही है, और ऑलमोस्ट हम लोग शायद मेरठ के आसपास ही है। बिजनौर तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर मेरठ और बिजनौर के बीच में। हाँ, मेरठ और बिजनौर के बीच में। इधर जो मिलते हैं पीछे कुल्लड़ की चाय, बढ़िया है एकदम, बिल्कुल चौकस थी। मैक्सविलियंस मॉन्टेविलियंस को तो सब जानते हैं, तो उसी के आसपास है हम लोग। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बोल रहे सॉरी डिनर वगैरह खा के, एंड देन उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। और बस दैट्स इट, आगे जाके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी डूइंग। अब तो कुछ है नहीं, वैसे भी रात में पहुँचेंगे तो सब कुछ कल ही होगा। तो डिनर हम लोगों ने कर चुका था और चाय भी पी ली है, कुल्हड़ की चाय। और अब पीछे देख रहे होंगे यार फ्रेंड्स वगैरह, और अब हम लोग सीधे कोई स्टॉपेज नहीं लेंगे और हम लोग सीधे जाएंगे दिल्ली। एंड वहाँ पे शायद हम लोग द्वारका जाएंगे, पहले द्वारका ही है मतलब हमारा डेस्टिनेशन। अब तो अब सीधे मैं द्वारका के फ्लैट से दिखाता हूँ जब हम पहुँच जाएंगे। ओके सी जा रहा है क्या? हां मिलते हैं फिर, चलो फिर। ओके भाई अपन भाई कल आएगा? हां मैं चलाऊंगा पक्का। हां नहीं पड़ेगा वो काम, ठीक है। बाबा में छोड़ के चले गए, इज लिविंग अस फ्रेंड। ओए कल सुबह 10 o'clock उठेगा भी नहीं तू? हां ऑब्वियसली। चल ठीक है फिर, बाय बाय। हां जी, तो भैया कल हम पहुंच चुके थे इधर ये दिल्ली, और कल जाके हम लोग सो गए थे, और अब उठा हूँ मैं ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं हूँ मैं द्वारका में, और शायद कल एक जगह जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, और वहाँ का शूट करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, एंड जो भी नया है इस चैनल में डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बहुत कुछ नया आने वाला है चैनल में, तो डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट एंड डू कमेंट्स। बाकी तो बस ठीक है, इतना ही कर देना। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।